टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। लॉकडाउन में स्कूलों की फीस माफ करने की मांगे अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। 8 राज्यों के अभिभावकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जिस तरह से मांग 8 राज्यों में की जा रही है, ठीक उसी तरह ठाणे जिले के मुमरा शहर में फीस माफ करने को लेकर MIM के स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष राशिद खान व मुस्तफ़ा मेमन, MIM के नगर सेवक शाह आलम आजमी के मार्गदर्शन में कलेक्टर को पत्र दिया है, जिसमें मांग की है स्कूलों की फीस 3 महीने माफ़ किया जाए, क्योंकि मुमरा शहर में 80% गरीब तबके के लोग रहते हैं। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से स्कूल के जिम्मेदार स्कूली बच्चों से, पेरेंट्स से दबाव बना रहे हैं फीस भरने के लिए, दबाव न बनाए और दूसरी बात, फीस न देने के कारण बच्चों को स्कूल से ना निकाला जाए, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते हुए लॉकडाउन में रोजगार बंद होने से बहुत से अभिभावक पेरेंट्स फीस देने में असमर्थ हो गए हैं। वो फीस नहीं भर सकते हैं, इसके लिए 3 महीने का फीस माफ करने की मांग की है। हम आपको सुनाते हैं स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष राशिद खान, मुस्तफ़ा मेमन, नगर सेवक शाह आलम आजमी ने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुनिए। आप स्टूडेंट विंग के अध्यक्ष हैं, जो है आपको किस तरह से लोगों की जो है मतलब शिकायत आई और फिर आप लोग जो है मन बनाए कि मेमोरेंडम देना चाहिए, कलेक्टर से मिलना चाहिए एजुकेशन को लेकर? अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत दिन से हम लोगों को जो है लोगों के कॉल्स आ रहे थे, बहुत से स्टूडेंट्स ने खुद मिलकर हम लोगों से ये कंप्लेंट की कि भाई ये स्कूल की फ़ीस के लिए परेशान किया जा रहा है, बच्चों को लास्ट 3 महीने की फ़ीस भरो, अभी 6 महीने की फ़ीस भरो, कंप्यूटर क्लास की फ़ीस भरो। तो उसको देखते हुए हम लोग ने जो है ये कदम आगे बढ़ाया। मैंने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया था कि हम लोग ने पहला स्टेप उठाए थे कि CM से लेके हमारे जो स्पीकर है नाना पटोले सर, वो हमारे जो CM है उद्धव ठाकरे जी, उनको और बाकी सबको हमने मेल किया था हमारे ऑफिशियल मेल आईडी से। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप था कि मैं पेपर वर्क से जो है उनके पास पहुँचूँ, उनसे रिक्वेस्ट करूँ कि इस चीज़ के लिए जो महामारी की वजह से लोग फीस नहीं भर पा रहे, तो ये स्कूल वाले और कॉलेज वाले जो इनको इतना परेशान क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है कि मतलब लोगों से इतना ज़बरदस्ती फीस मांगा जा रहा है, लोगों को रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है, रिजल्ट के बदले जब तक फीस नहीं भरेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। स्पीकर नाना पटोले साहब, उनसे हमने खुद मुलाकात की है, उनको हमने निवेदन दिया है और कल उन्होंने खुद वर्षा मैडम से, जो एजुकेशन मिनिस्टर है, उनसे भी बात की है और इस पर काफ़ी देर चर्चा चली है और इंशाल्लाह जिस तरीके से बताया गया है कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। अगर इस चीज़ पर कोई रिजल्ट नहीं आता है तो हम अपनी जद्दोजहद को जारी रखेंगे और जो मुमरा वालों के साथ नाइंसाफी हो रही है, जो मुमरा के अंदर एजुकेशन के नाम पे जो काला बाजारी चल रही है, जिस तरीके से लोगों को परेशान किया जा रहा है, हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे जब तक हमारे शहर मुमरा को इंसाफ ना मिल जाए, जब तक हम लोगों की फीस को माफ ना करा सके, ये डोनेशन का काला धंधा ना बंद करा सके, तब तक हम इस चीज के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। वजह यह है कि जैसे कि आप तमाम लोग को मालूम है कि हालात शहर के क्या पूरे देश के हालात ऐसे हैं कि लोगों के पास काम धंधे नहीं। आज हालात ऐसे कि लोग अपने बाल बच्चों की परवरिश कर ले या उनका पेट भर दे, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो इसको देखते हुए हमने इस मुद्दे को उठाया है कि मुमरा शहर में जितने स्कूल है, सेम्बोसिस है, मैस्को है, बॉस्को है, अब्दुल्ला पटेल इंग्लिश स्कूल है और जितनी बड़ी स्कूल हैं, हम तमाम स्कूलों से, ये स्कूल के प्रिंसिपल और ट्रस्टियों से ये हमारी मांग है कि आप लोग जब आप टीचरों को फीस नहीं दिए, सैलरी नहीं दिए, जब वो स्कूल के बस के जो ड्राइवर थे उनको आपने सैलरी नहीं दी, तो इन बच्चों से फीस आप क्यों मांग रहे हो, जबकि स्कूल इस वक्त चालू नहीं है। और रहा सवाल, अब ये लोग नया सिस्टम लाए थे कि मतलब ऑनलाइन स्टडी कराना, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे बच्चों की, तो 70% बच्चे हमारे मुमरा के अंदर वैसी लाइन का प्रॉब्लम चलता, लाइट रहती नहीं, तो ये सक्सेसफुल नहीं है। और मैं ये आप लोग से गुजारिश करता हूँ कि जो हालात इस वक्त के हैं, तमाम स्कूल के लोगों को ये सोचना चाहिए, प्रिंसिपलों को, कि जो फीस माफ़ है, तो हमने ये मांग महाराष्ट्र सरकार से की है कि महाराष्ट्र सरकार एक कोई ऐसा कदम उठाए जो गरीब तमाम लोगों के फायदे की चीज़ रहेगी इस फीस माफ़ी में, क्योंकि सबको मालूम है कि काम धंधे बंद है, रिक्शे चलाने वाले या जिनके वालिद या फादर जो बाहर रहते थे सऊदी दुबई, उनके भी जॉब है नहीं, तो वो बेचारे कहाँ से फीस भरेंगे अपने बच्चों की। और हमारे यहाँ सबको मालूम है कि आज तक अभी तक हमारे यहाँ ना रिक्शे चल रहे थे, ना दुकानें चल रही, ना नौकरी में कोई बॉम्बे जाने वाले, कम से कम 70% लोग बॉम्बे से सर्विस करते थे, सबके काम बंद थे, तो ये बेचारे फीस कहाँ से भरेंगे। तो हमारी ये मांग थी कि हमने इस फीस माफ़ी के लिए कलेक्टर से लेके
एजुकेशन मिनिस्टर तक को ये लेटर दिया गया है। हमारी पार्टी की तरफ से MIM की तरफ से ये लेटर हमने दिए थे, जो हमारे स्टूडेंट विंग के ये हैं, हमारे इन लोग ने, राशिद ने दिया और तमाम बच्चे जो साथ में थे पार्टी के, ये लोगों ने दिया है। कितने लोगों ने अब तक जो है आपसे मतलब संपर्क किया है फीस के मामले को लेकर जो है? ये आप नगर सेवक हैं, आपके पास तो आए हुए लोग होंगे, कितने लोग आए अब? रोज 500 लोग रहते होंगे रोज के, भाई फीस मांग रहे, फोन आ रहा है डेली, स्कूलों से फोन आता है कि आप मई जून की फीस भरिए। और ये स्कूल जो अभी 12th के बच्चों का रिजल्ट आया है, बहुत से बच्चों का जो रिजल्ट है उन लोगों ने स्कूल के लोगों ने दिया नहीं, कॉलेज के लोगों ने दिया नहीं, सिर्फ इसलिए कि फीस के लिए। अब आप बताइए कि कहाँ से होएगा? और ये कोई कानून नहीं, किसी की आपको रिजल्ट रोकने का कोई हक नहीं है। जब आप कलेक्टर को जो है आपके लोगों ने जो है वहाँ पे मेमोरेंडम दिया, तो क्या मतलब जो है आश्वासन मिला है वहाँ से? मैंने देखो, मैं खुद कलेक्टर को लेटर दिया था, तो कलेक्टर साहब से हमने ये मांग किया था कि सर आप एक ऐसा सर्कुलर निकालिए और उसमें ये होए कि मतलब स्कूल, जब स्कूल चालू ही नहीं है तो फीस क्यों मांग रहे। तो हमारी ये मांग थी कि आप उनसे अपना एक सर्कुलर निकाल के दीजिए कि कोई स्कूल, प्राइवेट की जितनी स्कूलें जो फीस लेती उन तमाम को ये रोका जाए कि कोई फीस नहीं ली जाएगी जब तक के लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता, ये हमारी मांग है। तो आपने सुना, पिछले कुछ दिनों से मुमरा कौसा में कुछ स्कूलों ने फीस के लिए पेरेंट्स से दबाव बना रहे हैं, तो एडमिशन के लिए भारी भरकम डोनेशन की मांग कर रहे हैं। उन्हें भी सोचना चाहिए, जो हालात आपकी है वही हालात सबकी है। लॉकडाउन में आप भी घर में कैद थे, लॉकडाउन में गरीब जनता जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहा है, दिहाड़ी मजदूर मजदूरी करके घर चलाने वाला, वो भी जो है घर में कैद था। और ऐसी हालात में स्कूली बच्चों व पेरेंट्स पे दबाव बनाकर फीस की मांग करना और फीस नहीं दिया तो स्कूल से निकालने की बात कहना कितना सही और कितना गलत है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।